जागरूक भारत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जालौर जिले के सिंदरा बांध से 10 गांवों को जोड़ने वाली पानी की बड़ी पाइपलाइन जगह जगह लीकेज होने से पानी व्यस्त बहता है, मगर जल विभाग के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में पानी लीकेज होने से बहुत से गाँवों तक पानी नहीं पहुँचता। मुड़तरा सीली के न्यू आबातारी चौराहे पर पानी लीकेज होने से 9 फीट गहरा कुएं जैसा गड्ढा होने से आने जाने वाले लोगों को भारी मुसीबत में परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आबातारी चौराहे पर करीबन 2 माह से पानी लीकेज होकर बारिश की तरह पानी सड़क पर बहता है, मगर जल विभाग की बड़ी लापरवाही से कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं। आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्होंने जागरूक भारत मीडिया को भी बताया, गड्ढा मेन रोड पर होने से 2 दिन पहले ही एक 12 वर्षीय बच्चा गड्ढे में गिरा था, जिसको वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसको बाहर निकाल लिया था और आज सुबह एक पिकअप गाड़ी का टायर गड्ढे में गिरने से हादसा होते होते टल गया और पाइपलाइन ज़्यादा लीकेज होने से पानी लोगों के घर में भी भर जाता है, जिसको लेकर वहां रहने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जागरूक भारत मीडिया टीम ने भी जलदाय विभाग को शिकायत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में जलदाय विभाग की ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और गड्ढा मुख्य मार्ग पर होने से आने जाने वाले वाहन और स्थानीय लोगों को भी बड़ी मुसीबत से गड्ढा पार करके जाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़, जालौर। नमस्कार दोस्तों, जागरूक भारत टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ये है मुड़तरा सिली गांव के पास न्यू आंबादरी, जिसमें 2 महीने से करीबन 9 फुट गहरा खड्डा पड़ा हुआ, पानी लीकेज होने के कारण और आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन को कई बार अवगत कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जलदाय विभाग को शिकायतकर्ता पे भी कॉल भी किया लेकिन कोई सुनवाई हुई भी नहीं। अभी 2 महीने से एक बार कल परसों और बच्चा भी अंदर गिर गया था, जिसको बच्चे को रस्सी के सहारे से बाहर भी निकाला था, लेकिन बहुत गहरा खड्डा है। आपको दिखा देता हूँ, ये कैमरामैन को बोलता हूँ कि यहाँ कैमरा करे जरा, ये देखो इतना।